मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय गुट के बीच जमकर विवाद, खूब चले लात और घूसे, टूटी कुर्सियां, दोनों के पक्ष से लोग पहुंचे थाने। पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मंत्री व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय के गुटों में छठ घाट के आयोजन व सरयू मंदिर कमेटी को लेकर तनातनी शुक्रवार को मारपीट में तब्दील हो गई। रघुवर दास कूट की ओर से 30 तारीख को सूर्य मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर मंच का निर्माण कार्य किया गया है। मंच के समीप ही सरयू राय गुट की ओर से एक तंबू का निर्माण कराया गया था। शाम में 7 बजे के करीब सरयू गुट और रघुवर गुट के लोग आपस में हाथपाई पर आमादा हो गए। मारपीट की घटना में सरयू राय के कई वरिष्ठ लोग घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रघुवर पक्ष के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। मामले को लेकर दोनों पक्ष गोड़ा थाना परिसर में जमे हुए हैं। मारपीट के बाद दोनों ओर से जमकर कुर्सी चली। मामले की जानकारी मिलने के बाद SDO, DSP सहित कई अधिकारी सिद्धगोड़ा थाना पहुंचे हैं। दोनों गुट के नेताओं का भी जमावड़ा थाने में होने लगा है। आज जो घटना घटी है कि रघुवर दास के इशारा पर और चंद्रगुप्त सिंह को आगे करके पूरे परिसर का लोग इतना गंदा किया है। आज एक तरफा लोग मारना शुरू किया हमारे कार्यकर्ताओं को, 10 कार्यकर्ता घायल हैं, सब का किसी का सर फटा हुआ है, किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी का कुछ है। और प्रशासन वहां पर रहना चाहिए था, झमेला चल रहा था। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन में रघुवर दास की जो गुंडागर्दी चल रही है, गलत लोगों को आगे करके 500 की संख्या में, तो आज जो किया है जमशेदपुर को तार तार, सूर्य मंदिर को तार तार कर दिया है। प्रशासन से मांग करता हूँ कि रघुवर दास सहित, चंद्रगुप्त सिंह सहित, और हैं उनका PH है राकेश सिंह, हो छगन, वो अखिलेश चौधरी या अन्य लोग और राम बाबू तिवारी ये सब नेतृत्व कर रहे थे और मार करवा रहे थे। सारे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। बाई नेम FIR जो हुआ है इसके बाद होगा। इतिहास सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किसी को परमिशन दिया और हम लोगों ने भी किया है। यहाँ महिलाएं रहेगी, शुभ का कल वितरण होगा और सारे लोग हम लोग आए अपना, और हम लोग किसी से लड़ा रहे प्रशासन। यहाँ जो व्यवस्था है प्रशासन पूरे परिसर को अपने जिम्मे में लिया, तो प्रशासन को तय करना चाहिए। प्रशासन ही कार्यक्रम करता तय करता, किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। उनको देखना चाहिए था कि कैसे हो। और यहाँ तो हम लोग आए हैं, कैजुअल आए हैं, ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है कि कोई लगाया तो हम लगाए, प्रतिस्पर्धा का काम नहीं किया। यहाँ इधर कैनोपी लगाया हमने, यहाँ हम लोग बैठे हैं। कल सूप का वितरण होगा, यहाँ रात में रहने का 3 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ कार्यक्रम होगा, झालूल हम बजाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो फूहड़ कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे, यही हम लोग का संदेश है। अच्छा, आप लोग JNSC को या प्रशासन को कोई पेपर दिए थे? हम लोग को भी आदेश थे, हम लोगों ने दिया है। तो देखिए, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रशासन ने खुद समिति बनाई है पूरे परिसर का, उनको ज्ञात होगा, उसके संरक्षक आदरणीय माननीय विधायक सभी रहे। और प्रशासन ने ही क्या था कि पूरे परिसर को प्रशासन अपने कब्जे में लिया। तो अब इसमें किसी कोई पक्ष को इसमें आने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने अपने संरक्षक का चित्र लगाया है उसमें, कि वही सरकारी जो कमेटी बनी है उसमें संरक्षक है, उनके द्वारा ये सारा चीज़ कहा गया कि यहाँ जो है पूजा होगा, हजारों महिलाएं आती हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना, उसको सेवा प्रदान करना व्यवस्थित तरीके से,
कोई गलत वातावरण ना बने, इस वातावरण को सही ढंग से हम लोग यहाँ निर्वाह करें छठ का। इसी आयोजन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और ये तीनों दिन लगातार रहेंगे। देखिए, एज ए गार्जियन होने के नाते चूंकि वो लोग जान बुझ के विवाद पैदा कर रहे हैं, जब जाना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का घोषणा ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, जिसकी जानकारी डीसी एसपी एसटीओ सारे पदाधिकारियों लोगों दी गई, पंडाल भी बना, यहाँ पर एगो बैनर लटका दिया। हम पूछे कि भी ऐसा क्यों, हम प्रसाद वितरण करें तो भाई प्रसाद वितरण तो यहाँ कभी नहीं हुआ है। प्रसाद वितरण तो आपको उधर पूरा मैदान, हम तुम्हें पूरे मैदान में इधर तो है करो, लेकिन जहाँ हमारा घर है, जहाँ पंडाल पड़ रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूपरेखा पड़ रहा है, ये आज से नहीं, 2001-2002 से लगातार आपको प्रोग्राम सांस्कृतिक होते हैं। अब वही में सरजू जी कहते कि लटका झटका ना हो। अरे भैया, लटका झटका कहाँ हो रहा बा, ये तो छठ मैया की गायिका है, छठ मैया के ही गीत गाती है, छठ मैया का ही गीत होगा, लेकिन विवाद विघ्न डालना तो छठ मैया समझाता रे, पूरा अच्छी तरह से समझाता रे। जो विधायकी मिल गया है ना, बाबू तो राम मिलेगा कभी कभी, तो कैसे मिलेगा, कभी बाबू राम फरला, बाबू राम ना फरला, कौवा खाला ले जाकर बाबू के गोछा पर बैठला तो लटक गिर जाना, तो वही मिलल बा। आ फिर यही तरह से जहाँ कहा जहाँ से आई रहा वहाँ बा। इसलिए भाई मेरे, हम आग्रह करिए लोग को, टीम आग्रह करिए कि बाबू चाहे रघुबर जी हो या सरजू हो, सब तुम आपस में लड़ करके दोनों मर जाओगे, यही चाहते हैं जी सरजू जी। अरे पार्टी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक भजपुरिया गीत छठ मैया के अवसर पर तो सभी के लिए है, सभी भोजपुरी भाषा भाषी के लिए है, विघ्न क्यों डालते हैं। इसलिए छठ मैया उनको सजा देंगे, हम छठ मैया से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यह छठ मैया तारा पूजा में जो विघ्न डाले ओकरा के कल्याण करिए।